ऐसा है जहां उम्मीद टूटती हो वहां एकमात्र आशा है। जीवन का आधार तुम्हें से, इस जीवन का ये सार तुम्हें से। पथ कठिन हो या फिर घोर अंधेरी रात, मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यह शब्द सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम इस मुद्दे पर विचार करते हैं तो बहुत सारे सवाल उठते हैं मन में कि आखिर क्या कारण था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के सम्मान के लिए इस एक दिन की घोषणा करनी पड़ी, या वो अपनी परेशानियों से तंग आकर आक्रोश में इस दिन की शुरुआत की। क्या भारत की तरह ही संपूर्ण विश्व में महिलाओं को अपने अधिकार, अपने सम्मान के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ा? बहुत सारे सवाल। महिला दिवस मनाने का एकमात्र कारण का उद्देश्य कि महिला और पुरुष में बराबर की समानता बनी रहे। 19वीं शताब्दी में जब इसकी शुरुआत हुई तो सबसे पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला, लेकिन समय के साथ साथ अब वो आवश्यकताएं उनकी चेंज हो गई। भारत में महिलाओं को शिक्षा, वोट देने का अधिकार और मौलिक अधिकार प्राप्त तो है, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदल रही हैं। भारत में आज महिला आर्मी, एयरफोर्स, पुलिस, आईटी, इंजीनियरिंग, हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। यहाँ तक कि माता पिता बेटे और बेटियों में कोई फर्क भी नहीं समझते, लेकिन ये सोच समाज के कुछ ही वर्ग तक सीमित है। और ये है मुंबई। मुंबई आज मैंने बहुत सारी जगह जाके ट्रेवल किया, वैसे भी हम ट्रेवल करते रहते हैं, जो यहाँ की लोकल होती है मुंबई की, एंड मुंबई की मेट्रो, मुंबई की बस की ट्रैफिक होती है, बहुत भीड़ होती है, बहुत क्राउड होता है, और उस क्राउड में किस तरह से महिलाएं सफ़र करती हैं, दूर दूर से जॉब के लिए जाती हैं। एक्चुअली मुंबई की लाइफ इतनी बिजी है कि टाइम नहीं होता वो कब सुबह निकलते हैं और कब शाम को अपने घर पहुँचते हैं। इस तरह की भाग दौड़ वाली लाइफ है। जैसे 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, हर पूरे विश्व में इसे बहुत धूमधाम से मनाते हैं, हर तरह के प्रोग्राम होते हैं और उसमें महिलाओं के लिए बहुत महिलाओं को सम्मानित किया जाता है। अगर हम बड़े शहरों की बात करें तो आज महिलाएँ वाकई हम कह सकते हैं कि पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। आखिर क्यों घर के अंदर और बाहर महिलाएं खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं, जो हर क्षण बर्दाश्त करती हैं समाज के वाहशी दरिंदों को, हर पल झेलती हैं बेचारगी का एहसास कराती सहानुभूति, जो हर पल उसे याद दिलाती है कि भूल मत जाना, वैसा हुआ था तेरे साथ। हर दिन सहती हैं अपने शरीर पर टिकी हजारों नापाक नजरों को और अपनी हालात पर तरसते बस सहमते हुए बस यही सवाल करती हैं कि आखिर कब होगा इस समाज को प्राश्चित, कब एक माँ अपनी बेटी को दुपट्टा खोल कर ओढ़ने और नजरे नीचे कर चलने की हिदायत देना बंद करेगी, कब कोई बाप अपने बेटों को किसी लड़की को गलत नजर उठा कर न देखने की हिदायत नसीहत देगा, कब कंडेल जलाने, पोस्टर उठाने, नारे लगाने का दौर थमेगा। प्राचीन काल में राजाओं द्वारा महिलाओं को खरीदा जाता था, या यूं कह सकते हैं उनके सौदे किए जाते थे। आज केवल कार्य करने के तरीकों में बदलाव आया है, वरना आज भी दहेज प्रथा जैसे पालन बड़े होशो आवाज में किए जाते हैं। हर रोज छेड़छाड़ की घटनाएं पुलिस थाने में दर्ज होती हैं, नजरअंदाज कर दी जाती है। ऐसे ऐसे महिला दिवस मनाने का क्या फायदा,
जहां हर रोज रेप की खबरों से अखबार न्यूज चैनल सराबोर रहे, जिस दिन खिड़कियों से झांकती हुई लड़कियां आजाद हों, जिस दिन आधी रात को भी महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी, जिस दिन बेटियों को बोझ नहीं समझा जाएगा, जिस दिन दहेज प्रथा से महिला आजाद हो, सही मायने में उस दिन हम महिला दिवस मनाने के हकदार हों। वो महिलाएं हैं जो भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन कर रही हैं। महिलाएं अपने किरदार को निभाते हुए कई संघर्षों और चुनौतियों का सामना करती हैं, लेकिन उन्हें समाज वो सम्मान वो अधिकार नहीं दे पाता जो उन्हें मिलना चाहिए। बढ़ चढ़ के अपना योगदान दे रही हैं, लेकिन वो कितनी महिलाएं हैं आज भी महिलाओं को उन्हें बराबर का सम्मान बराबर का अधिकार नहीं मिला। सही मायने में महिला दिवस तभी सार्थक होगा जब विश्व भर में महिलाओं को मानसिक व शारीरिक रूप से संपूर्ण आजादी मिलेगी, जहां उन्हें कोई प्रताड़ित नहीं करेगा, जहां उन्हें दहेज के लालच में जिंदा नहीं जलाया जाएगा, जहां कन्या भ्रूण हत्या नहीं की जाएगी, जहां बलात्कार जैसी घटनाएं नहीं होंगी, जहां उन्हें बेचा खरीदा नहीं जाए। भले ही भारत सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी योजनाएं बहुत प्रयास कर रही है और बहुत सारी योजनाएं चल भी रही हैं, उसके बावजूद भी महिलाओं के अधिकार की जब बात करते हैं उसमें आज की महिला आज भी वो अपने अधिकार से वंचित है। अगर हम गांव की बात करें, आदिवासी महिलाओं की बात करें, वो तो अपने अधिकारों से कोसों दूर है। ये कहना बड़ा आसान है कि महिला दिवस तरह तरह के प्रोग्राम होते हैं, महिलाओं को सम्मानित भी किया जाता है जो इस समाज को बढ़ाने में अपना योगदान दे रही है। आज हर क्षेत्र में महिलाएं विश्व में, या हम अपने भारत की बात करें, बढ़ चढ़ के अपना योगदान दे रही हर क्षेत्र में, स्त्री हो चाहे वो एक आर्मी का क्षेत्र हो, वायुसेना हो, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे जा रही हैं। ऐसे ऐसे शब्द उसे नाम दिए गए हैं, कमजोर, अबला, बेचारी, औरत कभी बेचारी थी। वैसे इन सारी घटनाओं की जिम्मेदार हमारी महिलाएं हैं, हमें भी आकर के अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। ये समाज हमें हमारा हक कभी नहीं देगा जब तक कि हम खुद अपनी आवाज एक स्वर में बुलंद नहीं करेंगे। हैप्पी वुमेन्स डे। वैसे मैं तो यही कहूंगी कि जब तक इन समस्याओं से महिलाएं जूझ रही हैं, जब तक उन्हें समाज वो बराबर का हक नहीं दे रहा है, तब तक महिला दिवस मनाने का कोई मतलब नहीं है। फिर भी आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।